हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये सोचोगे कि इतने दिन से मैं कहाँ गायब था। सो फुल्ली डिस्क्लोज़र, मैं अभी कुछ दिनों में इंडिया ट्रैवल करने वाला हूँ। इसी चक्कर से मैं कई बार जा नहीं पाया। लाइक हम जाते थे यूजुअली, लेकिन वो हमारा पूरा टाइम शॉपिंग और ऐसी कुछ चीज़ें जो लेनी थी उसमें पूरा टाइम जाता था। आई जस्ट ग्रैब माई ब्रेकफास्ट, लाइक इवनिंग में ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, देख लो। और आप गैस कर सकते हो अभी कितने बजे हो गए यहाँ पे, एनी गैसेस सोचो। और मैं आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि कितने बजे फिलहाल यहाँ पे। तो आप में से जिन जिन लोगों ने 4:30, 4:15 गैस किया था, वो लोग आप सही थे, क्योंकि अभी फिलहाल बजे हैं 4:30, 4:30, और जो 4:30 जब आ गया है फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा है। तो आप देख लो कि जब विंटर आएगा प्रॉपर दिसंबर जनवरी में, यहाँ पे 3:30, 3:45 अराउंड पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं डाउनटाउन की ओर, और एज ऑलवेज टोरंटो में ट्रैफिक कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, कभी भी नहीं। पार्किंग ढूंढ रहे थे लास्ट 15 मिनट से, और हम लोग तो ठहरे गुजराती, थोड़ा पार्किंग का पैसा हाल है, हमारी गाड़ी में पार्किंग करवाना पैसा हमें हाल है नो। सो 15-20 मिनट लगे हमको पार्किंग ढूंढने के लिए, लेकिन हमने फाइनली अच्छी सी पार्किंग स्पॉट ढूंढ ली और हमने गाड़ी पार्क कर ली। और अभी डाउनटाउन की गलियों में घूम रहे हैं, रॉजर्स ढूंढ रहे हैं। Later. देख रहे हो वो लाइन एप्पल स्टोर के बाहर थी, और आपको शायद क्लियरिटी देख के पता चल गया होगा कि मैंने फ़ोन चेंज कर लिया है। सो फिलहाल जो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ वो है 13, आईफोन 13। सो फाइनली आई बॉट आईफोन 13 एंड एयरपोर्ट्स जनरेशन 3 जो अभी लॉन्च हुआ है वो, और मुझे काफ़ी अच्छी सी डील मिली, तो उसके लिए मैंने दोनों ऑपरेट कर दिए। विंटर में हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी पीते हैं, और पायल का देखो विंटर में भी आइसक्रीम का मज़ा लिया जा रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे है कल, सो उसकी वजह से आज मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमको जो लेना था वो हमने ले लिया, ये आईफोन जो आप देख रहे हो जिसकी क्वालिटी, और एयरपोर्ट्स उसका अनबॉक्सिंग आपको मैं दिखाऊँगा घर जाके। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो फिलहाल हम मैं हूँ यहाँ पे यंग स्ट्रीट पे, और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है यंग स्ट्रीट, गूगल कर लेना। और फिलहाल मैं आया हूँ पिज़्ज़ा में मेरा पिकअप लेने के लिए, क्योंकि आज मुझे इच्छा हो गई गार्लिक ब्रेड खाने की, क्योंकि आज देख सकते हो मौसम भी इतना अच्छा है और सुबह से बारिश हो रही है धीरे धीरे। मतलब कुछ अलग खाने का मन किया, बहुत टाइम से मैंने खाई नहीं थी, स्पेशली पिज़्ज़ा की। The next day. So guys, एक और भी मेरा पार्सल जो आने वाला था वो फाइनली एक वीक के बाद आ गया है, और उस डिब्बे के अंदर क्या था वो आपको मेरे आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। लाइक आने वाला ब्लॉग मेरा एक अनबॉक्सिंग टाइप होगा, टेक्निकल गुरुजी जैसा। दो तीन चीज़ें अनबॉक्सिंग करनी है, क्योंकि
आज ब्लैक फ्राइडे है, लेकिन हमारा ब्लैक फ्राइडे पिछले एक वीक से चल रहा है, क्योंकि यूजुअली ब्लैक फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है हर जगह पे। अगर आपने कल देखा होगा एप्पल के बाहर कितनी सारी भीड़ थी, फिर भी हमने कल ये आईफोन ले लिया और एयरपॉड्स भी ले लिए, और ये बॉक्स में क्या है वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। और एक चीज़, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में किसी को फॉलो करते हो, राइट, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, तो आपको पता होगा उन लोगों के घर के बाहर ऐसे आपको ब्लू, ग्रीन और ब्लैक ऐसे गार्बेजेस बैग दिखने को मिलेंगे यूजुअली। तो लाइक ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ब्लैक है वो सिर्फ और सिर्फ गार्बेज के लिए है, ऐसी चीज लाइक जो रिसाइकल नहीं हो सकती उसको फेंकनी ही पड़ेगी, उसके लिए ब्लैक। जो भी चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसके लिए ब्लू है, और ग्रीन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो फूड हो गया, खाना हो गया, बच्चों का डायपर हो गया, ये सब ग्रीन के अंदर जाता है। सो गुड टू नो स्टफ। इंडिया में भी अभी ये चीज़ चालू हो गई है ब्लैक और ग्रीन का शायद, और ब्लू और ग्रीन का पता नहीं, नॉट श्योर। तो या आप अगर जाए बाहर किसी भी कोई कंट्री में तो ये देखें तो आप कौन सा कचरा कहाँ पे डालना है, थैंक्स टू मी लेटर और अभी कमेंट में। तो फिलहाल ब्लैक फ्राइडे है तो अभी कहीं बाहर जा रहे हैं हम लोग। और एक चीज़, अंदर देख सकते हो, लेकिन आज अभी बजे 3, ये 3 बजे का अंधेरा है। जैसे जैसे विंटर आएगा अंधेरा जल्दी होता जाएगा, और अभी सुबह में देखो थोड़ी ऐसी थोड़ी बहुत स्नो भी हुई सुबह सुबह, लेकिन वार्निंग है सैटरडे और संडे में कम से कम 6 सेंटीमीटर स्नो गिरने वाली है। तो देखते हैं क्या सीन है। फिलहाल अभी बाहर का टेम्परेचर है -5, और मेरे हाथ पे आप देख सकते हो लाइक ऐसे फोल्ड भी नहीं हो रहे। हमारा ब्लैक फ्राइडे सेल जो था वो कल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन आज ब्लैक फ्राइडे है, हमको शॉपिंग करनी थी वो हमने कल ही कर ली, और फिर भी आज घूमने आए हैं, देखने आए हैं, अगर कुछ अच्छा सा कुछ अच्छे से डील में मिल गया तो वो भी ले लेंगे। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गुजराती स्टाइल सेव उसल। अगर आपको नहीं पता सेव उसल क्या है तो प्लीज गूगल करके देख लेना। मजाक कर रहा हूँ, अगर मैंने कुकिंग चैनल चालू कर दिया ना तो ये रणवीर ब्रार, फिर क्या सैफ संजोत, वो सबका धंधा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर हम डालते हैं अभी नमक स्वाद अनुसार। सो हमारे यहाँ नमक स्वाद अनुसार नहीं, पायल के अनुसार होता है, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा नमक पायल खाती है, तो उसके हिसाब से हमें नमक डालना पड़ेगा। नमक डालने के बाद स्टर पीस के अंदर जाएगी ये जो ग्रेवी बन रही है अभी, और उसके बाद सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट नहीं बार सब जगह मिलता है, गुड जूस बड़ोदरा स्पेशल सेव उसल मसाला। अरे सेव उसल बना जाए बड़ोदरा वालों, हार्दिक पंड्या देख लो, खुशबू।